समय कम है तो आई विल गो इन शॉर्ट, क्योंकि काफ़ी दूसरे लोगों को भी बात करनी है यहाँ पर. मैं यहाँ पर अकल्ट स्पिरिचुअलिटी एंड ज्योतिष इस पर बात करूँगी. सबसे पहले तो हम सभी लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हैं सभी ज्योतिष प्रेमी हैं. हमें हमेशा प्रश्न होता है कि हम ज्योतिष में महारत कैसे हासिल कर पाए. कई लोगों से प्रश्न थे कि अच्छे ज्योतिष बनने के योग क्या है. किसी का प्रश्न था कुंडली की जागृत कैसे होती है. अनलेस एंड अंटिल यानी मटीरियल लाइफ, हम कितना भी सोचें हम लोग कुंडली की जागृत नहीं कर सकते हैं. यह बहुत नग्न सत्य है. दूसरी एक बात यह है कि आप साधना कर सकते हो, आप उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हो. सिद्धि प्राप्त करना यानी क्या है, पंचम भाव को जागरूक करना. जैसे प्राश्चर्य जी ने बताया कि पंचम भाव ये मंत्र साधना का है. तो जो गत जन्म से हम लोग हमारे पुण्य और पाप की गठरी लेकर आए हैं, उसी प्रकार हम लोग ने कई जन्मों में जो भी मंत्र साधना करी, कोई तो जन्म में हमने की होगी, वही हम सब लेकर यहाँ आए हैं. और जब हम खुद का मंत्र बनाते हैं, लेकिन जब आप खुद का मंत्र चयन करते हो या तो खुद का मंत्र करना चाहते हो, तो उसमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र पे सिद्धता प्राप्त की है, जैसे कि रीम क्लीम ऐम, ये सब जो हम लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिक उसके प्रोनाउंसिएशन है, वो आप मंत्र के साथ जोड़ने जरूरी है, क्योंकि वो सभी के लिए कॉमन है और उसी को सिद्ध उन्होंने कर लिया है हम जैसे कलियुग के लोगों के लिए. क्योंकि हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम कोई भी मंत्र को टोटली पावरफुल बना पाए. हम सिर्फ हमारी मानसिक शक्ति से उसे जागरूक कर सकते हैं, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर सकते. लेकिन हम उससे पॉजिटिव वाइब्स कब ले सकते हैं, या तो हम उसको अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं, कि जब हमारी धरोहर जो हमारे ऋषि मुनियों ने या तो हमारे साधकों ने जो हमें आगे दी है, उसका सहारा हमें लेना है. फिर आप तय कर लो कि आपने दुर्गा सप्तशती में से मंत्र लेने हैं, या तो फिर आप जो भी अपनी कुलदेवी फॉलो करते हो, इष्ट देवता फॉलो करते हो, या तो जैसे किसी ने बताया कि मैं 17 साल से स्ट्रगल था, मैंने अपने माता पिता का नाम ही कंटिन्यूसली चैन कर रहा था, क्योंकि उनकी पूर्ण शक्ति उन्होंने उसमें सम्मिलित कर दी. तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब हम इसको जोड़ देते हैं ये वर्ब्स के साथ स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन, तब वो सचमुच में उसका असर बहुत अच्छा देखने मिलता है. आगे बढ़ते हुए मैं ऐसा बोलूंगी कि अकल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये जो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ है, जैसे प्राची ने बताया कि ये दोनों समान है. हम मटेरियल लाइफ में हम मंदिर में भी जाते हैं, हम पूजन भी करते हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ हो गई. घर में आके हम लड़ाई भी करते हैं, हम अच्छा खाना बना के भी खाते हैं, ये हमारी मटेरियल लाइफ हो गई. उसके बाद हम किसी के घर पूजा में भी चले जाते हैं, तो हम हमारे स्पिरिचुअल एलिमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं. तो ये साइमल्टेनियसली एक साथ चलता है. लेकिन जो लोग हम लोग देखते हैं कि जो लोगों ने इसमें महारत हासिल की है, हमारे जैसे रामकृष्ण परमहंस जी है, जैसे योगानंद सरस्वती जी है, और माँ आनंदमयी है, और ऐसे कई सारे साधक रहे होंगे कि जिनकी कुंडलियों में ऐसे कई तो योग रहे होंगे कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे इतनी बड़ी महारत हासिल कर ली है. या तो वह बहुत ज़्यादा योगिक शक्ति के दाता हो गए हैं, या उनको फॉलो कर रहे हैं. जैसे योगानंद सरस्वती जी के बारे में बताएंगे तो उन्होंने क्रिया योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है. उनकी जो क्रिया योग की साधना थी, वो अभी हम सभी लोग अलग अलग नाम से फॉलो कर रहे हैं. उसका जो बेसिक है, उसका जो प्रचलन है, या तो उसकी जो एक्शन हम लोग करते हैं, जो मुद्रास करते हैं हम उसके लिए, वो शायद अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट एक ही है. क्रिया योग क्या है, यानी अपने अंदर के योग क्रिया को अपने में कंट्रोल करना. आप चाहे उसको प्राणायाम का नाम दे दो, या तो आप चाहे उसे कोई योग साधना का नाम दे दो, या उसे आप मेडिटेशन का नाम दे दो. लेकिन मेरे ख्याल से कि ये लोग जो है, दे ऑल आर किंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और किंग ऑफ अध्यात्म, ये बहुत कम शब्द है अगर मैं इनके बारे में बोलूँ. इसी प्रकार से जो मटेरियल लाइफ के जो बड़े बड़े नाम जिन लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स है, धीरूभाई अंबानी जी है, अभी के अंबानी है, या तो जो बिजनेस टाइकून्स है, उनके भी तो कुंडली में राजयोग रहेंगे. इसी प्रकार
ये जो साधक हो चुके उनके भी कुंडली में राजयोग थे, दोनों की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो साधक हो गए और ये बहुत मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ गए, यानी कुछ ना कुछ तो इन दोनों में डिफरेंस रहा होगा। 7 प्लेनेट तो सभी की कुंडली में आए हैं, 2 छाया ग्रह तो सभी की कुंडली में आए हैं, लेकिन ये लोग मटेरियल लाइफ के राजा है और जो साधक है वो धार्मिक लाइफ के राजा हो चुके हैं। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें हमें देखना है कि उनकी कुंडली में जो शुक्र की पावर है, जैसे हमने बोला कि शुक्र में संजीवनी है, शुक्र में किसी को जीवन दान देने की ताकत है, शुक्र सिर्फ अहिक सुखों का कारक नहीं है, शुक्र ये है, अगर शुक्र को काबू कर लिया तो अपने आप आपका शनि पर प्रभुत्व आ जाता है, क्योंकि शनि तो निर्विकार है, शनि आपको वैराग्य देता है, लेकिन कब देगा? शनि हम सभी की कुंडलियों में है, लेकिन जब आप शुक्र पर प्रभुत्व करोगे, शुक्र पर प्रभुत्व करना इसका मतलब ये नहीं है कि घर संसार छोड़ के हमें कहीं लोनली प्लेस में चले जाना है, इसका मतलब ये नहीं है। हम अपनी मटेरियल लाइफ में रह के भी सात्विक जीवन का फॉलो कर सकते हैं। जैसे प्राय जी ने बताया कि पेट हमारा कुंड है, मैं अभी किसी को बता रही थी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें हम सात्विकता ला सकते, तो जो अन्न दे ब्रह्मांडे, मैं भी ऐसा बोलती हूँ कि जैसा अन्न वैसा विचार होता है आपका, फिर आपके प्लैनेटरी पोजीशन उसमें काम करती है कि आपके कौन से प्लैनेट चार्ट में इतने पावरफुल बन रहे हैं कि आपकी नियति, आपका नेचर, आपका थॉट प्रोसेस और आपकी देखने की विजन किसी एक विषय के प्रति कितनी जागरूक है, यह टोटली आहार विहार नियम पर आधारित होता है। और देश काल पात्र तो इसमें आते ही है, हम सभी लोग जंगल में जाके मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हर साल साल में 2 बार आउटिंग के लिए क्यों जाते हैं? हम एनर्जी लेने के लिए जाते हैं, हम थोड़ा आनंद लेने के लिए जाते हैं, वही नेचर है, दैट इज नेचर। हम जाके गार्डन में फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, हम वहाँ जाके एंजॉयमेंट करते हैं, तो यही तो नेचर है। हम हमारे राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि राहु इज आउट ऑफ द लिमिट, आप अपनी बाउंड्रीज, आप अपने ऑर्बिट छोड़ के बाहर जा रहे हो, अपने परिवार के साथ जाते हो, अपने परिजनों के साथ जाते हो, मित्र परिवार के साथ जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सभी चीजों को एक्टिवेट करते हो। हमारी कुंडली के जो जल तत्व ग्रह है, यानी कि जल तत्व ग्रह और जल तत्व राशि जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, वह वो मोक्ष त्रिकोण की राशियों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। धर्म त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हैं वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ आपकी कार्मिक उन्नति को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर आपने कुछ कर्म नहीं किए हैं तो पेंडिंग डिजायर्स लेके आप मनुष्य जन्म में पैदा ही नहीं होते थे। हम सब मनुष्य जन्म में पैदा इसलिए हुए हैं कि हम हमारे गत जन्म के पेंडिंग डिजायर्स पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसे हम राहु यानी कि एम्बिशंस का भी नाम देते हैं, उसे हम केतु यानी कि धार्मिकता का भी नाम देते हैं, और यही जो महापुरुष और हमारी जो साधिका हो गई है माँ आनंदमयी माता, और वैसे अनेक लोग रहे होंगे, कलावती आई है जिसे भी लोग फॉलो करते, तो शायद ऐसा होगा कि उनकी कुंडली में सबसे ज्यादा ये वाटर एलिमेंट इतना जागरूक हो गया है कि उनके पेंडिंग डिजायर्स उन्होंने राहु को माइनस कर दिया, यानी अभिलाषाओं को उन्होंने दबा दिया, और केतु का एलिमेंट उन्होंने जागरूक कर दिया। केतु इज रिसेप्टर, केतु क्या करता है? देखता है, सुनता है, लेता है, इन्होंने यही किया है। और हम लोग क्या करते हैं, हम केतु में भी एम्बिशंस ढूंढते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं साधना कर पाऊंगी या नहीं, मुझे ये कैसे करना है। नहीं, जब तक आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती है आप साधना नहीं कर पाते। किसी ने बोला इसलिए मैं साधना में बैठ गई तो नहीं साधना होगी। मैं खुद खुद को बोल रही हूँ, मुझे खुद को जरूरत है, विदाउट एनी चैंटिंग ऑल्सो आई एम अचीविंग द एलिमेंट दैट इज स्पिरिचुअल एलिमेंट और इंक्लाइनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल एलिमेंट विद इन मी। अब इसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक ऐसा थोड़ा रिसर्च किया है इसमें, कि मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रहते हैं, हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग रहते हैं, कुछ जल्दी इंक्लाइनेशन पा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो उन लोगों में मैंने देखा है कि उनका लग्न या तो उनके ग्रह गंडांत पॉइंट में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि संधि लग्न, नक्षत्र संधि, ऋतु संधि, ग्रह संधि, ऐसे कई प्रकार की, बहुत 100 प्रकार की संधियां है
हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, अगर इस संधि में इन लोगों जैसे कि योगानंद स्वामी जी जो थे उनका जन्म आप देखोगे तो लग्न संधि में ही हुआ है। उनकी जो शाही जी ने अभी उनकी कुंडली दिखाई थी कि जो सिंह लग्न की कुंडली, कुंडली में चंद्र है, तो उनका जो लग्न है वो संधि लग्न है। संधि लग्न क्या होता है कि जब आप जल तत्व से अग्नि तत्व की तरफ जाते हो, राशि बदल जाती है तो राशि को हम बोलेंगे लग्न संधि, और जब प्लैनेट बदल जाते हैं तो हम बोलते हैं ग्रह संधि। तो लग्न संधि भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर वहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं है लेकिन लग्न संधि भी है तो वह व्यक्ति बहुत निर्विकार हो जाता है, और हम हमारे रूटीन टर्म्स में बोलते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि गंडांत पॉइंट में इसका जन्म हुआ है, इससे बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है, इसे कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। फिर हम बोलते हैं पहले चरण में माँ को तकलीफ, दूसरे चरण में पिता को तकलीफ, तीसरे चरण में बेटे को तकलीफ, या चौथे चरण में खुद को तकलीफ, या तो फिर चौथे चरण में है और चौथे चरण में पैदा हुआ और अगर बच गया तो ये व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा? हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि अगर वो पॉइंट पार कर गया गंडांत में जन्म होने के बाद भी, क्योंकि वह आत्मा जो है वह ऑलरेडी भटकते भटकते इस योनि में जो आया है वह सफरिंग के लिए आया, और अगर सफरिंग उसने पार कर ली तो 100% उसे आगे चल के बहुत अच्छे उसके फल मिलने वाले हैं। तो ये नक्षत्र संधि और लग्न संधि हमें बहुत ज्यादा मदद रूप होती है अगर हमें किसी का स्पिरिचुअल रीडिंग, यानी कि कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी साधना कैसी होगी, हमें कैसी साधना करती, हमें कैसे हमारे चक्रों को जागरूक करना है। चक्र कभी वैसे जागरूक नहीं होते हैं, ये हमारे ही खुद की एक भावना होती है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक शब्द है बहुत निर्विकार है। अध्यात्म इतना बड़ा है कि हम इसे शब्दों में उसको हम बयान ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब सहस्त्रार चक्र आपका जागृत होगा उसी समय आपकी स्पिरिचुअलिटी जागृत होती है। बाकी तो हम रोज, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं मेरा प्रारब्ध कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद में मंदिर चली जाऊंगी वो दूसरा मेरा प्रारब्ध होगा, तीसरा मैं किचन में चली जाऊंगी मैं मेरा काम करूंगी वो मेरा चौथा प्रारब्ध होगा। तो जब आपकी कुंडली में शनि और चंद्र, जब शनि और चंद्र एक दूसरे को देखते होंगे, हम लोग बोलते हैं कि शनि और चंद्र विषयोग है। शनि और चंद्र विषयोग क्यों बोला गया है, या तो शनि और चंद्र को अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि चंद्र पूरा पानी से भरा हुआ है और शनि जो है वह ड्राई प्लेनेट है, सूखा है। वो क्या करता है, शनि चंद्र के साथ बैठकर सब पानी खींच लेता है उसमें से और उसको निर्विकार कर देता है। इसीलिए शनि चंद्र जिसके भी कुंडली में है, जैसे हम जैन मुनि देखते हैं जो साधक हो जाते हैं, जो साधु हो जाते हैं, उन सभी की कुंडली में आप देखोगे कि शनि चंद्र किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं, या तो वो लाभ योग में होते हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होती है, या वो नव पंचम योग में होते हैं, या तो वो युति में होते हैं। आप किसी भी महर्षि आनंदमयी माँ, आप रामकृष्ण परमहंस, किसकी भी कुंडली उठा के देख लो, आपको सैटर्न और मून का कनेक्शन 100% उसमें देखने मिलेगा। और हमारे ज्योतिषियों की कुंडली में इसके अलावा जब शुक्र और शनि का कनेक्शन एक साथ आ जाता है हमारी कुंडली में, इधर वीनस और सैटर्न आर सिटिंग टुगेदर और दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर और दे आर ट्राइंग टू ईच अदर, दैट टाइम यू कैन बिकम गुड ज्योतिषी। आप ज्योतिष अच्छा पढ़ सकते हो, क्योंकि शनि और शुक्र ये कॉम्बिनेशन श्री केन राव जी की कुंडली में भी D9 में मौजूद है। मैंने जब उनकी स्टडी की थी, उनके चार्ट की, तो उस वक्त मैंने देखा था। तो कई लोगों के चार्ट में आप देखोगे कि शनि और शुक्र का आपका कॉम्बिनेशन होता ही होगा किसी ना किसी प्रकार से। दूसरा, किसी ने पूछा था ज्योतिष होने के क्या योग है, तो मैंने एक योग ऐसा है कि जब बुध से सेकेंड हाउस में आपका जहां पर भी बुध है उससे दूसरे भाव में अगर गुरु की दृष्टि है तो आप अच्छे वाक चातुर्य आप में आ जाता है, आप अच्छा बोल सकते हो, आप किसी को संबोधन अच्छा कर सकते हो, आप अच्छे से बात कर सकते हो, और आप में अंतस्फूर्त कला, जैसे मैंने प्राज जी को प्रश्न पूछा था कि इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी में स्पिरिचुअल एलिमेंट है, तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग कब होगी, तो जब 12th हाउस
यानी कि पीसफुली 12वां स्थान ये ओपन स्काई है, 12वां भाव जो है वो स्टोरेज ऑफ अवर कर्मा से, 12वां भाव जो है वो गुरु का है। तो जब 12th हाउस जागृत होगा और 12th हाउस का लॉर्ड जब 3rd हाउस में आता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो डीप मेडिटेशन का स्थान है, तो जब भी 12th लॉर्ड कम्स इन द 3rd हाउस, दैट टाइम्स वह व्यक्ति जो बोलता है वो कई बार में 99.9% सच हो जाता है, क्योंकि ये उसकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त के स्थान में 3rd हाउस में आकर बैठ गया है। तो ऐसे कई सारे राजयोग हमें देखने मिलते हैं। और अंत में मैं ऐसा ही बोलूंगी कि जो शनि और चंद्र है, क्योंकि शनि एकांत प्रिय है और जो चंद्र है वो मन का द्योतक है, तो अगर आप चंद्र को भी कंट्रोल में करोगे, आप शुक्र को भी अगर कंट्रोल में करोगे, तो आप जरूर साधना यानी कि स्पिरिचुअलिटी जो मटेरियल लेवल पे जो हम सब कर पा सकते हैं उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। और D9 चार्ट में भी, क्योंकि मैं यहाँ पर D9 और D20 के बारे में भी बोलने वाली थी पर समय कम है, तो D9 चार्ट में भी अगर आपके 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है गुरु या शुक्र, तब भी आप अच्छा ज्योतिष में या तो फिर जो भी आप रिसर्च करते हो, जो भी आप थीसिस करते हो, PhD कई लोग करते हैं, हमारे पास कई सारे प्रश्न आते हैं ज्योतिष के अलावा भी, उस सब में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। सो आई थैंक यू वन एंड ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।